यात्रा का दिन नंबर तीन यात्रा जो शुरू होती है उसका दिवस तीसरा है अपन, ये समझो आप। और यात्रा चालू होने को 3 दिन हो चुके हैं और भयंकर बारिश के साथ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी होशंगाबाद नागद्वारी यात्रा 2019 सभी भगत लोग देखो ऐसे आपको एक एक करके आराम से उतरना है, भगदड़ जल्दी नहीं करना है। ये पूरा चौक भी हो जाता है जब ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो, यहाँ पर पूरी पुलिस एमपी फॉरेस्ट रहती है जो कि आपको एक एक करके निकालती है। ये वाला जाने का भी है बेसिकली, देखे तो आने का भी, लेकिन यहाँ से आते जाता है। जाने के लिए आपको वाया भजियागिरी काला झाड़ से ही एक रूट मैप अलग से दिया गया है जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब ये वाला चित्रशाला माता मंदिर का जो पहाड़ है और ये ही सबसे ज़्यादा खतरनाक टनल है। आते भी जाओ, आते जाओ, रुकना नहीं है, वहाँ आते जाओ नीचे। और रिमझिम रिमझिम बारिश के साथ नागद्वारी यात्रा सावन 2019 यात्रा चालू है और ये जाएगा अपना वाया धूपगढ़ और भजियागिरी। अगर आप चाहो तो यहाँ से आप यात्रा कंप्लीट करके आई होप कोशिश तो कर रहा हूँ दिखाने की, यानी कि बादल है, फॉग है और पानी भी आ रहा है। तो ये जो अच्छे अच्छे जो पहाड़ है, ये जो नंदीगढ़ का पहाड़ है यहाँ से दिख रहा है, ये चित्रशाला माता मंदिर से इतना अमेजिंग, इतना खूबसूरत, इतना ब्यूटीफुल लगता है ना कि मैं बता नहीं। जो नंदी महाराज है वो एकदम यहाँ से दिखते हैं ऊपर से। अब नंदीगढ़ की जो कहानी है मैं ऊपर ही बताऊँगा चल के आपको।
और नागद्वारी की, स्वर्गद्वार की जैसी जैसी लोकेशन है वो तो आपने देखा होगा कि क्या कहानी थी। चलो ये जो खतरनाक सा टनल है देखो, बिल्कुल पहले सीढ़ियाँ नहीं थी किसी ज़माने में जब मेरे दादा लोग आया करते थे, कई साल कई युगों की बात है, 100 साल 150, तो सोचो कैसे चढ़ते होंगे। अब भगत लोग आ रहे हैं, कुछ टीम अपनी आगे चल गई है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और जब दादा, मेरे दादा के ज़माने की बात बता रहा हूँ, तो सोचो पहले रस्सी से और रूट होती है ना पेड़ की जड़, उससे चढ़ के आते थे। अभी तो सीढ़ी से हाथ पैर कपते हैं कि यार कैसे उतरे। देखो अब ये जो रास्ता है, यानी कि चित्रशाला माता मंदिर पे तकरीबन यात्रा ख़त्म ही हो जाती है। बट ऐसा नहीं कि बहुत लोकेशन है, नंदीगढ़, निशानगढ़ और भेलकुंड करके ये जो 3-4 खतरनाक लोकेशन है वो नक्शे में नहीं दिए सतपुड़ा टाइगर के, ठीक है ना। तो भाई साहब ये देखो भगत लोग इधर से भी आ रहे हैं धीरे धीरे। धूपगढ़ में पानी है क्या भैया? धूपगढ़ में पानी नहीं है तो थोड़ा है, हल्का हल्का फुल्का। देखो अभी बंदे लोग जो है, भगत लोग ये आ रहे हैं धूपगढ़ से, और इधर कंटिन्यू बारिश हो रही है, कंटिन्यू है। और धूपगढ़ जहाँ से अपन ने यात्रा चालू की थी, जो पार्ट 2 चालू किया था, तो वहाँ हल्की फुल्की है। तो यार ये खतरा है, सतपुड़ा टाइगर है भाई साहब, ये जंगल ही अपने को जिंदा रख रहा है। चले तो चलो, तो आपको लाइव दिखा दिया मैंने कि चलो आगे बढ़ते धीरे धीरे। यहाँ से गुप्त गंगा मिलेगी अपने को, वो भी अपन देखेंगे। यहाँ से फिर यहीं से नंदीगढ़ के लिए क्रॉस हो सकते। और आप जब कजरी आते हो, जो आपने पार्ट नहीं देखा होगा तो चेक इट आउट, पार्ट 3 या 4 में मिलेगा। कजरी से निशानगढ़ और कजरी से ही भेलकुंड, ये सबसे खतरनाक लोकेशन है, जो कि आपको नक्शे में जो रूट है नागद्वारी रूट वो उसमें नहीं मिलेगा आपको। तो ये भी बात का ध्यान रखना, जो भगत लोग आते हैं कंटिन्यू हर साल, उनको पता है कौन कौन सी रास्ता कहाँ कहाँ पर है। और हल्दी से, गुलाल से इसकी जो डिमांड की थी, तो मैं चित्रशाला माता जब अपन चढ़ाई कर रहे थे तो बीच में से रास्ता है उसका छोटा सा, ये क्या सब थोड़ी कठिन लोकेशन है, यानी बहुत मुश्किल होता है चलना, बट आराम आराम से निकलना पड़ता है इसी लोकेशन से। चलो आगे बढ़ते हैं एंड चेक। ओके गाइस, तो ये है गुप्त गंगा दर्शन, नागद्वारी का सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, भयानक जंगल और
यही गुप्ता गंगा है, यहाँ पर नहा के दर्शन करके आप वापस निकल सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और यहीं से आपको नंदीगढ़ के लिए निकलना है। ये वाला पहाड़ है वो दिख नहीं रहा है, अभी फॉग है। ये यहाँ से एक रास्ता है और एक रास्ता भजियागिरी से भी मिल जाएगा आपको, अगर भूल जाओ तो, है ना। चलो मैं आगे दिखाता हूँ। और बहुत ही डेंजरस पानी है उसमें, तो बहुत संभल के नहाना, पैर बहुत फिसलते हैं, है ना। तो जैसे देखो एक भगत बैठे हैं। ये वाली जो नदी है, ये वाली, ये भी वहीं कन्वर्ट होती है। ये है गुप्त गंगा दर्शन। सब लोग नहा रहे हैं जो भी, यानी तकरीबन यात्रा यहाँ पर आकर लगभग ख़त्म के समान होती है। और ये जो पहाड़ है, ये नंदीगढ़ का, एक रास्ता यहाँ से निकलती है और एक रास्ता उधर, मैं आपको जो ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, नंदीगढ़ के लिए। दो नंदीगढ़ है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, पचमढ़ी में सतपुड़ा टाइगर में एक नागदौरी वाला नंदीगढ़, और एक जो नंदीगढ़ है वो चौरागढ़ महादेव भूरा भगत, यानी कि नंदिया से जाते हैं तब मिलेगा वो तो और भी डेंजरस है। लेकिन इनका सबका टाइमिंग होता है खुलने का, एक नागद्वारी के टाइम ही स्टार्ट होगा और एक शिवरात्रि यानी कि चौरागढ़ महादेव के टाइम खुलेगा। बाकी चौरागढ़ महादेव तो कभी भी जा सकते, हमने यात्रा ऑलरेडी बनाई है तो आप चेक करें, आई बटन में कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा आपको, नहीं वाली देखना चौरागढ़ महादेव यात्रा। तो भूरा भगत नांदिया से अगर आप निकलोगे तो एक रास्ता आपको वहाँ मिल जाएगा, और एक नंदीगढ़ जो मैं दिखाऊँ, और ये भयानक सा, ये है गुप्ता गंगा भाई। सब देखो इतना फैली है ना यहाँ जंगल में, देखो बहुत ही ज़्यादा फैली है देखो। तो नागदौरी यात्रा 2019 मुझे लगता है तकरीबन ख़त्म हो गई है। नंदीगढ़ अपन हमारे टीम मेंबर एक काफ़ी तेज़ी से उनकी तबीयत हो चुकी है ख़राब, तो अपन पहले कैंप में वापस जाएंगे और टाइम रहेगा तो फिर आपको नंदीगढ़ भी दिखा देंगे। इसलिए हम तेज़ी से वापस जा रहे हैं क्योंकि उनका तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो चुका है। और देखो भाई साहब ये है, जब बाढ़ आती है ना तो ये कुछ भी नहीं दिखेगा, यानी कि आपको कम से कम पूरे पैर आपके फुल भर जाएंगे, इतना भयानक सा बाढ़ आता है इस नदी में। देखो चलो अब अपन वापस जाएंगे कहाँ पर, भजियागिरी कालाजाड़ और नंदीगढ़ मार्ग। डायरेक्ट नंदीगढ़ जाना है तो फिर भजियागिरी से भी एक रास्ता है सिंपल वाला, और मैंने जैसे बताया सतपुड़ा में दो नंदीगढ़ है, एक नॉर्मल है और एक भयानक वाला है। नागदौरी यात्रा का नंदीगढ़ ये वाला है, ये वाला पहाड़ में देखता हूँ वो दिख जाए ऊपर से तो। और निशानगढ़ जैसे कि मैंने आपको दिखाया उस वीडियो में, रावण सेस से जाते हैं, ऐसे करके आपको यात्रा बढ़ाना है आगे। कई लोग से चलना नहीं होता है तो फिर ये शॉर्टकट दर्शन करें, पदम सेस यानी नागदौरी यात्रा महाराज के दर्शन करने के बाद, अगर मान लो बिल्कुल चलना नहीं हो रहा है आपसे तो सीधा दर्शन कर से उसी रास्ते से आप सीधा कजरी होते हुए टैक्सी भी पकड़ सकते हो, बिल्कुल जिससे चलना भी नहीं हो रहा है। और मेरा मानना है वो टैक्सी सेफ नहीं है क्योंकि वो पानी में इतना भयानक ख़राब रास्ता है कि वो पलट भी सकती है, इसलिए पैदल मेरा मानना है सेफ्टी रहेगी आप लोगों के। चलो चेक इट आउट, आगे बढ़ते हैं। नागदौरी यात्रा, छोटा अमरनाथ यात्रा के नाम से भी जानी जाती है भाई साहब। जैसा अपना बड़ा अमरनाथ है ऐसी ही नागदौरी यात्रा छोटे अमरनाथ के नाम से जानी जाती है भाई साहब। चेक इट आउट। नीचे भी दे रखा है, और इस यात्रा को पूरी आराम से देखने के बाद भी आपको लास्ट में मिल जाएगा कार्ट में, और इधर आई बटन में मेरे सिर के ऊपर एक आई बटन यानी कार्ट आता है, वहाँ भी आप पार्ट 3 को, अगर आप ज़्यादा लेट देख रहे हो तो पार्ट 4 दे सकते हो, पार्ट 1 भी देखना ना भूले जो लोग, जो यात्री भगत ने नहीं देखा है। और तकरीबन मुझे लगता है अपनी यात्रा लगभग कम्प्लीट हो चुकी है, अपना नंदीगढ़ अभी छूटा है। अपने टीम मेंबर की क्या है, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, तो अपन पहले हम कैंप में वापस जाएंगे थोड़ा दवाई के लिए, उसके बाद टाइम रहा तो अपन नंदीगढ़ भी मैं दिखा दूंगा। बेसिकली देखा जाए तो अपन ने जो आज लोकेशन कवर की है, जैसे कि धूपगढ़ से बेसिकली यात्रा स्टार्ट होती है, तो धूपगढ़ हो गया, कजरी हो गया, काला झाड़ हो गया, आम का झाड़ हो गया, उसके बाद कजरी या काजरी गांव के बाद अपने को मेन नागद्वारी गुफा, जो वासुकी नागदेव जी की गुफा है, नागद्वारी टेम्पल से निकलने के बाद कई छोटी छोटी लोकेशन आपको पड़ती है, जैसे कि फिर वहाँ से स्वर्ग द्वार, चित्रशाला माता मंदिर, भाई साहब बहुत ही भयंकर चढ़ाई है उसमें, तो
उसके बाद जहाँ मैं भी खड़ा हूँ, ये देखो ये रास्ता है नंदीगढ़ की, ये वाली, ये पहाड़ अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि फॉग ना ज़्यादा है यहाँ पर, धुआं, बारिश ज़्यादा हो रही है। और एक रास्ता आपको उधर से भी मिलेगा, तो चेक इट आउट, मैंने लिंक दे रखा है, चेक करना ना भूले। अलग अलग पार्ट देखना है आपको तो मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक दे रखा है, आप लिंक को वीडियो के नीचे चेक कर सकते हैं। जब ये यात्रा आप देख लोगे, ख़त्म कर लोगे, तो मैंने पार्ट 3 का या पार्ट 4 का बोल लो या पार्ट 1 का लिंक भी इस वीडियो के लास्ट में दे रखा है या इधर आई बटन में मिलेगा। बेसिकली देखा जाए तो अभी मैं गुप्त गंगा से बाहर निकल चुका हूँ, ये रास्ता आपको सीधा ले जाएगा आम का झाड़ या काला झाड़ भी बोल सकते हैं, और ये वाला ही रूट कन्वर्ट करता है आपको वाया चिंतामन सेस होते हुए। चिंतामन सेस बाबा के भी मैंने दर्शन करा दिए। तकरीबन देखा जाए तो अपनी यात्रा पूरी कंप्लीट हो चुकी है। निशानगढ़ आपको हमने नीचे से दिखाया, निशानगढ़ और भेलकुंड भाई साहब इतना डेंजरस है कि वहाँ पर इतनी सी ही जगह है ऊपर पहाड़ी पे खड़े रहने को, बहुत ही हाइट पे है वो। चित्रशाला माता मंदिर, निशानगढ़, नंदीगढ़ और भेलकुंड, हल्दी सेस, गुलाल सेस, ये जो ऐसी लोकेशन है बहुत ही डेंजरस हाइट पर है। तो सभी का वीडियो एक एक करके मिलेगा आपको, तो आप चेक करना ना भूले आई बटन में या इस वीडियो के लास्ट में मिला है। निशानगढ़ अपन थोड़ी दिन बाद कवर करेंगे क्योंकि बहुत ही बारिश इतनी है कि वहाँ चढ़ ही नहीं पा रहे कोई, बहुत ही आराम से आपको एक एक करके जाना पड़ेगा। और भेलकुंड भी श्रावण से निशानगढ़ से रास्ता जाता है भेलकुंड का, और मैंने कहानी जहाँ जहाँ लोकेशन थी वहाँ वहाँ मैं आपको कहानी बता भी रहा हूँ कि कहाँ कैसा था, कैसे स्टार्टिंग हुई थी। और उसके बाद में नंदीगढ़ के 2-3 रास्ते कन्फ्यूज नहीं होना है, चाहे तो आप यहाँ से गुप्त गंगा होते हुए भी निकल सकते हैं, चाहे तो भैयागिरी से भी एक शॉर्टकट रास्ता है। और आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी मध्य प्रदेश नागद्वारी यात्रा 2019, दो नंदीगढ़ है भाई साहब, ठीक है, एक है अपना नागद्वारी वाला नंदीगढ़, और एक जो नंदीगढ़ है वो वाया नंदिया, वाया चौरागढ़, वाया भूरा भगत होते हुए जाता है। तो उसमें भी वही है कि उसमें भी आपको जब यात्रा चालू होती तभी परमिशन मिलेगी जाने की। चौरागढ़ तो आप कभी भी जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे साथ जो टीम मेंबर है वो, उनको आ रहा है चक्कर, तो पहले इनका ट्रीटमेंट करवाते हैं, फिर अपन ये यात्रा अपनी लगभग कंप्लीट ही हो गई है। बट जो जो लोकेशन आप छूट चुकी है, जैसे कि डेंजरस हाइट पड़ ली, जैसे कि अपना नंदीगढ़ हो गया, आप इसको अपन करेंगे उस साइड से, है ना। और इस साल भाई साहब बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, भयंकर बारिश हो रही है सतपुड़ा टाइगर में। देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबाएं, तभी महादेव जी प्रसन्न हो गए भाई साहब, यानी कि तभी वीडियो आपको मिलते जाएगी ऐसी वाली, ठीक है। मेरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके आपको दिखाओ, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली क्या है, लोग चल नहीं पाते हैं, तो सूट की तो बात ही अलग, क्योंकि इधर उधर देखा पैर फिसल सकता है, पानी से बचना पड़ता है। और दिस बेबी, ये कैमरा ने मेरा बहुत साथ दिया, थैंक यू फॉर। इस कैमरा कैसा लगा आपको, कैमरे का लिंक भी वीडियो के नीचे दे रखा है, हर वीडियो के नीचे। ये कैमरा पसंद आए तो आप भी खरीद सकते हो, वीडियो के नीचे मिलेगा। और नागद्वारी यात्रा पचमढ़ी 2019 में मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, आपको और भी कई सारी लोकेशन है जो अपन आगे भी देखेंगे। और हाँ, आपने पूछा था चौरागढ़ महादेव पचमढ़ी ऑलरेडी बना है, फुल यात्रा हमने बनाई है, इधर आई बटन में देखिए इधर, या वीडियो के नीचे कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा आपको, या इस वीडियो के लास्ट में श्रावण में। और यात्रा नागद्वारी एक साल में एक ही बार खुलती है, और चौरागढ़ कभी भी जा सकते हो, रात में नहीं, दिन में मतलब। और ये वाला माणादेव गुफा, राजा भभू सिंह पचमढ़ी वाली, और छोटा महादेव पचमढ़ी का भी यात्रा ऑलरेडी बना है, तो चेक इट आउट, आई बटन में लिंक मिलेगा या इस वीडियो का आखिरी में, तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद में जटाशंकर यात्रा भी ऑलरेडी हमने कंप्लीट की है, तो वो भी आप इधर आई बटन में जाके देख सकते हैं। चलिए यात्रा में आगे बढ़ते, चेक इट आउट, लाइक करना बिल्कुल ना भूले, हर हर महादेव। ओके गाइस, वेलकम बैक अगेन सिस्कोटेक यूट्यूब, नागद्वारी यात्रा। तो भाई साहब क्या डेंजरस चढ़ाई है, इसलिए मैंने यहाँ से आपको दिखाना चालू किया, क्योंकि यार इतने थक चुके हैं ना कि मुश्किल हो रहा है हर चीज़ आपका। ये लो, ये देखो, ये सब सामने पहाड़ दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये यहीं से आ रहा है अपन उस छेंडे से,
चित्रशाला माता, भयंकर खतरनाक। मैं तो हर साल आपको दिखाता हूँ ये वाला पहाड़। अभी यार क्या है, धूप नहीं है, फॉग ही फॉग है। धुआँ है ना, तो कोई भी पहाड़ आपको ढंग से नहीं दिख रहा है। नहीं तो ये समझो कि ये स्वर्ग ही है एक टाइप का। जो भी है भाई साहब, ऐसी कुछ कहानी है नागद्वार की। तो सबसे पहले मैं कहानी बोलते भी चलता हूँ, एक रिवल्ट हो जाएगा। मैंने हर पार्ट में बताया है आपको कि नागद्वार की जो शुरुआत हुई, एक भक्तन भाई थी सौसर की, ठीक है, मेरा एनालाइज जो कहता, मतलब एक जो यही भक्त था नागदेव भगवान, नागद्वारी का महादेव जी का, तो उनने मन्नत मांगी थी संतान उत्पत्ति की कि भगवान तू मुझे संतान देगा तो मैं आपके आँखों में काजल लगाओगे। किसकी आँखों में? नागदेव महाराज के, नाग भगवान के, यानी कि महादेव जी के। तो जो मैंने कजरी और श्रावण से दिखाया आपको, वो इससे ही रिलेटेड है, इसलिए उसका नाम काजरी पड़ा। और जो, लेकिन वो उनने मन्नत ना पूरी कर नहीं पाई। जब मन्नत पूरी की बात आई कि वो मैया जो भक्तन भाई थी, वो जब काजल लगाने गई तो नागदेव बाबा बहुत बड़े दर्शन दे दिए, बड़े, तो उनने डर गई वो। फिर माँ छोटे रूप में दर्शन दिए होते तो वो लगा ही नहीं पाई उसको, तो वो मन्नत शायद उसकी अधूरी रहेगी। और ऐसे कई युगों पुरानों से बुजुर्गों का कहना है, ये जो कहानी है जो पॉपुलर है काजल वाली, इसलिए जो गांव है ना ये सतपुड़ा का जो सामने दिख रहा है आपको, जो मैंने आपको दिखा दिया, इसका नाम कजरी या काजरी भी बोलते हैं इसको। वाया गूगल से और अलग अलग नाम से चलता है ना, वैसे अपनी भाषा में काजरी बोलेंगे इसको। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और नागद्वारी यात्रा 2019 पचमढ़ी। और जो मेन, जो अगर पुराणों को पन्ने को खोल के देखे तो शिव पुराण की कहानी आती कि जब वासु के ऋषि भयंकर तपस्या कर रहे थे महादेव जी की, क्यों कर रहे थे ये यहीं पर नागद्वारी में, ये शिव पुराण का बता रहा हूँ मैं। तो महादेव जी अचानक भागती हुई आए इधर, कहाँ से, चौरागढ़ वाया गुप्त महादेव होते हुए। तो वासु के ऋषि दिख गए कहाँ पर, तपस्या करते हुए गुफा में। अब उनने पूछा कि भाई साहब क्या चाहिए आपको, तो वासु के ऋषि का कहना था कि मुझे महादेव जी के साथ ही रहना है। तो लाड शिवा ने और महादेव जी ने, जो ये दिख रहा है ना आपको ये वाला, जहाँ से अपन आए कजी से जंगल से, उनको पकड़ा और गले में उठा के डाल लिया सर्फ के रूप में, साफ एज ए नागद्वारी। तो ऐसा क्या है, शिव पुराण बोलता है भाई साहब, ये सेकेंड कहानी हो गई। मैंने ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन ये रिकवरी रिवल्ट चल रहा है कि आपको याद आ जाए कि आपने पूछा था कैसे समथिंग शुरुआत हुई थी। तो पहली कहानी जैसे कि मैंने बताई, अब देखो धीरे धीरे चाय नाश्ता पानी के कैंप आ रहे हैं, हर जगह आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन ये निःशुल्क नहीं है ये वाले, ये चार्ज वाले। और जो मैंने आपको हर जगह दिखाए थे, जो नागपुर मंडल, मध्य प्रदेश मंडल ट्रस्ट, वो निःशुल्क चाय नाश्ता मिलेगी आपको। जहाँ ज़्यादा खतरा है, जहाँ खाने पीने की सर्विस नहीं है, वो आपको निःशुल्क मिलेगी, यहाँ पर चिंता नहीं करना है। बाकी ये जो है स्टॉल शॉप, ये भी मिलेगी, जैसे कि चाय नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा गर्म सब आपको यहाँ पर मिलेगी सर्विस, ठीक है ना। तो ऐसी गाइस दो कहानी थी नागद्वार की जो मैंने बताई। एक और कहानी है जो कि मैं कहीं बीच में बताऊंगा आपको, या तो किसी पार्ट में मैंने ऑलरेडी बता दी होंगी। बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कहानी है भाई साहब। और ये जो पहाड़ दिख रहा है आपको ये वाला, ये है चित्रशाला माता मंदिर, वाया हल्ली सेस गुलाल सेस वाया चिंतामन सेस बाबा, यही जाता है। यानी कि जो रूट लोकेशन मैप है ना, वो कहीं ना कहीं आके आपको कन्वर्ट करेगा। और भूल भुलैया भी है, ध्यान भी रखना। ये देखो सीधा का सीधा टनल ही है भाई साहब, देखो। सो चेक इट आउट, नागद्वारी यात्रा 2019, हर हर महादेव। हर बोला नागद्वारी यात्रा 2019, बिग शॉट आउट आल यात्री नागपुर महाराष्ट्र और ऑल इंडिया से। काफ़ी सारे भगत मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं, इनके लिए एक बिग शॉट आउट, हर हर महादेव। ओके गाइस, तो नागद्वारी यात्रा 2019 में आगे बढ़ते हुए, अब ये और एक खतरनाक चढ़ाई टनल, ये ले जाएगा रास्ता आपको भजियागिरी तक के, है ना। और ये रास्ता जो आ रहा है, ये आएगा गुप्त गंगा होते हुए, कन्वर्ट करता है को वाया नंदीगढ़, वाया भजियागिरी, ठीक है। चलो बहुत ही आराम से चलना है भाई साहब, जान निकल रही है। महादेव यात्रा नागद्वार 2019, आराम से देखना यात्रा, बहुत ही अच्छी लगेगी। मैंने कोशिश की है हर चीज़ दिखाने की। इस साल क्या है, मुझे लगता है पार्ट में आएंगी अपनी यात्रा, क्योंकि पानी धीरे धीरे
ड्यूटी वाले भी आ रहे हैं सब लोग भाई साहब देखो। चला चला लौकर चला। अपन अब बढ़ रहे हैं कहाँ पर, भजियागिरी की ओर। भजियागिरी से भी नंदीगढ़ जा सकते हैं लेकिन वो चढ़ाई ज़्यादा है आपको, तो मेक श्योर कि चिंतामन जो जोड़ी वाले बाबा का ग्रुप है यानी कि स्वर्ग द्वार का जो नाला है वहाँ से आपको आसानी होगी नंदीगढ़ चढ़ने के लिए। और इधर से जाओगे ना तो काफ़ी भयंकर चढ़ाई है, फिर अगर आप में दम है चढ़ने का तो आप आराम से जा सकते हो, नहीं तो बढ़िया सा जोड़ी वाले बाबा का जो ग्रुप है यानी कि स्वर्ग द्वार का पहला गेट वहाँ से भी नंदीगढ़ बहुत आसानी से चढ़ सकते हो आप लोग। और इधर से जाओगे तो इतनी चढ़ाई आपको भयंकर चढ़ना पड़ेगा। देखो जैसे एक भगत लोग धीरे धीरे अपनी यात्रा को कंप्लीट कर। ओके गाइस, नागद्वार यात्रा 2019 बिग शॉट आउट MP पुलिस। तो अगर पुलिस ना होती तो यात्रा सफल नहीं होती, क्योंकि इस साल बहुत सपोर्ट मिला है पुलिस का, हर जगह बहुत ही सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है आपको। मेरे साथ दो भैया लोग हैं MP पुलिस से और अपनी ड्यूटी बिल्कुल तेज़ी से कर रहे हैं, और अपने को देखा जाए तो हर जगह आपको सेफ्टी पुलिस का सपोर्ट मिलेगा। आपको बस धक्का मुक्की नहीं करना है, ध्यान से चलना है नागद्वार यात्रा में। हर बोला हर हर महादेव, नागद्वार यात्रा 2019। आज MP पुलिस भी काफ़ी तेज़ी से ड्यूटी लग चुकी है। देखो अपने MP पुलिस भाई लोग जा रहे हैं अभी, और आपको क्या धक्का मुक्की नहीं करना है, जैसे कि हर जगह पुलिस का सपोर्ट मिलेगा आपको और आराम से चढ़ना है ना। हर जगह आपको पानी चाय नाश्ता की फैसिलिटी मिलेगी। अब मैं भी चढ़ाई को चालू करता हूँ ये वाली। अब चलते हैं नागद्वारी की कहानी की ओर। मैं चलते भी जाता हूँ बोलते भी जाता हूँ, टाइम बचा है कम। दो कहानी तो मैंने बता दी नागद्वारी की, तीसरी कहानी ये है कि जो नागद्वार है, नागलोक, जो वासुकी नाग की जो गुफा है, जो भाई साहब मैं आपको दिखा चुका हूँ, जिनने नहीं देखा है वो पार्ट तो वीडियो के नीचे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, देखना ज़रूर मज़ा आएगा। तो वासुकी नाग की जो गुफा है यानी कि जो नागद्वार है, नागलोक है, जो भीम है ना, भीम एक शक्तिशाली और महान पुरुष थे, तो उनको जो शक्ति मिलती है, ताकत, वो नागलोक से ही मिलती है। एक कहानी ऐसी भी निकल के आती है अगर रिसर्च करा जाए तो, और जो पॉपुलर कहानी थी महादेव नागद्वारी की वो तो आपको पता ही है। तो कैमरा स्विच करें क्या, चलो भाई इधर कर लेते हैं, ये देखो। तो क्या है, अपने गैजेट को बचाने के लिए, कैमरे को बचाने के लिए अपन छाते का यूज़ कर रही है, लेकिन अब जैसा मैं चल रहा हूँ ऐसा नहीं चल सकते आप, बहुत ही कठिन होता है। आपको बस फटाफट दोनों हाथ खाली रह के ये देख, मेरे साथ जो टीम मेंबर है उनकी तबीयत हो गई है ख़राब, तो आपको बस रेनकोट पहनना है जिससे पानी नहीं जमता है, और बस चलते जाना है। थैंक यू बोलना चाहूँगा MP पुलिस को, काफ़ी सपोर्ट मिला उनका अपने को इस यात्रा में, और सभी वो नहीं रहते तो यार पुलिस जंगल नहीं रहेगा। इस फॉरेस्ट को बचाए रखना ही अपनी जवाबदारी है। हर जगह डस्टबिन बना दिए, और जितने भी नागपुर महादेव मेला समिति है, MP महादेव मेला समिति है, बहुत का सपोर्ट मिला है इस बार सभी यात्री के लिए। इतने दूर दूर से इतनी बढ़िया फैसिलिटी, चाय नाश्ता पानी फ्री रहेगा आपको, और जहाँ पर नहीं ले जा सकते वहाँ पर आपको पैसे भी लगेंगे, यानी वो दुकान होती है छोटी मोटी, चेक इट आउट। तो द न्यू लवली सब्सक्राइबर नागद्वारी यात्रा, छिंदवाड़ा से मेरे साथ कुछ भगत लोग जुड़े हैं जो कि नागद्वारी यात्रा को स्टार्ट कर रहे हैं, नागद्वारी यात्रा 2019। बेसिकली देखा जाए तो अभी ये लोग जो है जो गुप्त गंगा होते हुए नागद्वार कजरी पहुँचे गए, और इनके लिए एक बड़ा सा शॉर्ट आउट बनता है, हर बोला हर हर महादेव। We'll be right back.
नगर से ना, जो अभी हम लोकेशन पर जहाँ पर खड़े हैं, ये जाता है एक चित्रशाला जाएगा, एक जाएगा चिंतामन और एक जाएगा वाया काला झाड़ होते हुए। और मेरे साथ नगर सेना एमपी मध्य प्रदेश पुलिस से भैया जुड़े हैं, प्रदीप चौरे। तो जितना भी यहाँ पर ये काम किया भैया लोगों ने, इनके लिए एक बहुत बड़ा बिग शार्ट आउट बनता है। नागौर यात्रा में पूरी जो फैसिलिटी आपको दिख रही है सेफ्टी के लिए, पूरा यहाँ पर नगर सेना की तरफ से, और 24 घंटे भाई साहब आपके लिए सेवा में लगे रहेंगे लगातार 8 दिन तक, जब तक ये नागौर यात्रा चलेगी। तो इस साल की नागौर यात्रा में बिग शार्ट आउट बनता है और एक बिग लाइक बनता है नगर सेना पुलिस और एमपी पुलिस के लिए। नागौर यात्रा 2019 देखते रहिए, हर हर महादेव। ओके गाइस, तो ये जो भयंकर बड़ी नदी है, यहाँ जो यहाँ पर एक बोर्ड लगा है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी नागदौर यात्रा 2019 मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर से आपको तीन रास्ते कन्वर्ट हो गए, एक जाएगा काला झाड़, एक जाएगा चित्रशाला माता मंदिर, और एक यहीं से डायरेक्ट सीधा ये जाएगा आपका चिंतामन, जहाँ पर घोड़ी वाले बाबा का भी ग्रुप है। और चिंतामन बाबा से ही यहाँ से आप ऐसा इधर नंदीगढ़ निकल सकते हैं, ये भी एक शॉर्टकट है, यहाँ से रास्ता मिल जाएगा आपको। और धीरे धीरे यात्री ऑल इंडिया से, यात्रियों की भीड़ बढ़ते जा रही है।